तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 9 11 से 13 तक। एलियास ने सिनेई पर्वत की गुफा के अंदर जाकर वहां रात बिताई। ईश्वर ने उससे कहा, निकल आओ और पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। तब प्रभु उसके सामने होकर आगे बढ़ा। प्रभु के आगे आगे एक प्रचंड आंधी चली, पहाड़ फट गए और चट्टानें टूट गई, किंतु प्रभु आंधी में नहीं था। आंधी के बाद भूकंप हुआ, किंतु प्रभु भूकंप में नहीं था। भूकंप के बाद अग्नि दिखाई पड़ी, किंतु प्रभु अग्नि में नहीं था। अग्नि के बाद मंद समीर की सरसराहट सुनाई पड़ी। एलियास ने ये सुनकर अपना मुंह चादर से ढक लिया और वह बाहर निकलकर गुफा के द्वार पर खड़े हो गए। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। प्रभु ईश्वर जो कुछ कहता है मैं उसे ध्यान से सुनूंगा। वह अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करेगा। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। दया और सच्चाई, न्याय और शांति ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपनाने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 9 पद संख्या 1 से 5 तक। मैं मसीह के नाम सच कहता हूँ और मेरा अंतकरण पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मुझे विश्वास दिलाता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे हृदय में बड़ी उदासी तथा निरंतर दुख होता है। मैं अपने रक्त संबंधी भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूँ। वे इसराइली हैं, ईश्वर ने उन्हें गोद लिया है। उन्हें ईश्वर के सानिध्य की महिमा, विधान, संहिता, उपासना तथा प्रतिज्ञाएं मिली हैं। कुलपति उन्हीं के हैं और मसीह उन्हीं में उत्पन्न हुआ है। मसीह सर्वश्रेष्ठ है तथा युगों युगों तक परम धन्य ईश्वर है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, अलेलुया। अनुवाक्य, अलेलुया। हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि प्रदान कर जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा ग्रहण करें। अनुवाक्य, अलेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 14 पद संख्या 22 से 33।
यीशु ने अपने शिष्यों को इसके लिए भाग्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वे स्वयं भीड़ को विदा कर देंगे। यीशु भीड़ को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वे अकेले वहां थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर यीशु समुद्र पर चलते हुए शिष्यों के पास आए। जब उन्होंने यीशु को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और ये कहकर यह कोई प्रेत है डर के मारे चिल्लाने लगे। यीशु ने तुरंत उनसे कहा, धीरज धरो, मैं ही हूँ, डरो मत। पेत्रुस ने उत्तर दिया, प्रभु यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। यीशु ने कहा, आ जाओ। पेत्रुस नाव से उतर गया और पानी पर चलते हुए यीशु की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो वह चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, अरे अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे उन्होंने यह कहते हुए ईसा को दंडवत किया, सचमुच आप ईश्वर के पुत्र हैं। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।